हेलो हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों, और कैसे हो सब लोग। तो आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। तो आपके लिए एक और प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, या फिर अगर आपने ये कर भी लिया है तो फिर आप देख सकते हो। तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन लाया हमने जो थोड़ा सा अलग है बच्चों, और अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको दिक्कत दे सकता है फाइनल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, इफ साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड इज इक्वल टू 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस वाई प्लस कॉस जेड, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो हो सकता है सीबीएसई सडनली थोड़ा सा टफ बना के आपसे पूछ ले, तो वी हैव गॉट यू कवर्ड। तो इसमें आप देखिए, जैसे ही ये वाला क्वेश्चन देता है, नॉर्मली सब बच्चे क्या करेंगे, जनरली साइन एक्स के जगह पे अपना फॉर्मूला लगा देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन वाई की जगह पे वो लोग डालेंगे 1 माइनस बच्चों कॉस स्क्वायर वाई प्लस क्या डालेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर जेड इक्वल टू 3। जैसे आप ये लिखते हो आप बहुत ज़्यादा फंस जाते हो। क्यों फंस जाते हो? बिकॉज अब आपको स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ, और जैसे आप स्क्वायर करते हो इस साइड में आपका समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग थ्री टर्म्स आता है, जिसमें ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगेगा। इसके बदलोत आपके पास 6 टर्म आ जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca करके, तो इसमें और 3 रूट आने वाले हैं, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाला। तो दिस इज नॉट द वे, ये तरीका बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, बहुत ही सीधा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे बच्चों। जो साइन एक्स का आपका वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है, हम देखेंगे पी बाई एच होता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, किसी भी ट्राइंगल में, है ना, हमने पढ़ा है ना। तो बेटा पी बाई एच अगर होगा तो आप सोचो पी जो है वो परपेंडिकुलर है किसी भी ट्राइंगल में, तो उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है पी का वो तो हमेशा हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेन्यूज से छोटा ही रहेगा। तो सोचो आप ये वाला एंगल जो है वो थीटा है, मान लो 60 है, तो ये बड़ा करते जाओ बड़ा करते जाओ बड़ा करते जाओ, एक टाइम आएगा ना जब ये एंगल 90 हो जाएगा पूरा, तब आपका पी जो है वही हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा। इसका मतलब साइन एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमेशा या तो 1 होगा या फिर 1 से छोटा होगा, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ये हमको समझ में आ गया है ना इस बात से। तो अगर ऐसा है बच्चों, तो जो साइन एक्स है वो हमेशा 1 या 1 से छोटा होता है, तो ये हमेशा 1, ये भी 1 या 1 से छोटा होगा, सिमिलरली ये भी, तो तीनों मिला के आपको 3 चाहिए। तो आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, आप साइन एक्स प्लस साइन वाई बोल रहे थे ना और साइन जेड ऐसे बोल रहे थे, इक्वल टू 3 बोल रहे थे, तो सर इसको हम लोग 0.5 मान लेते हैं, कोई बात नहीं सर। बेटा अगर इसको 0.5 आप मानते हो तो फिर बाकी का दोनों मिला के, अगर मतलब पूरा तीनों मिला के अगर 3 होना चाहिए, इसका मतलब क्या, अगर ये 0.5 है तो बाकी का दोनों मिला के 2.5 होना चाहिए। अगर बाकी का दोनों मिला के 2.5 होना चाहिए तो एक का वैल्यू कितना होना चाहिए? आपने बोला किसी, नहीं सर ये वाला वैल्यू हो जाएगा ना 0.7, तो 0.7 और 0.5 1 से छोटा है, दोनों के दोनों वैल्यू सही है, तो 0.5 0.7 जोड़ो कितना आता है बच्चों 1.2 आता है। तो 1.2 के साथ क्या जोड़ने से साइन जेड क्या होना चाहिए था कि आंसर 3 आ जाए? तुम बोलोगे माइनस करके, सर 1.8 होना चाहिए, क्या 1 से बड़ा नहीं होगा अगर 1.8 बोल रहे? तो इसका मतलब बच्चों अगर ये 0.5 है तो दोनों मिला के 2.5 होना चाहिए, वही बात है ना। तो अगर दोनों मिला के 2.5 होना चाहिए मतलब क्या, कोई ना कोई किसी ना किसी को 1 से ज़्यादा होना ही पड़ेगा। 1 से ज़्यादा होना मतलब क्या, ये फ्रैक्शन अगर 1 से ज़्यादा तभी होगा अगर पी का वैल्यू हाइपो से ज़्यादा होता है, हाइपोटेन्यूज से, जो कभी हो नहीं सकता। इसका मतलब तीनों एक साथ में 3 होने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, जब तीनों के तीनों का वैल्यू 1 हो जाए बच्चों, तीनों साथ में 1 हो जाए, मतलब क्या साइन एक्स आपका 1 हो जाए, मतलब एक्स क्या हो जाए 90 डिग्री, और साइन वाई भी आपका 1 हो जाए, मतलब वाई क्या है 90 डिग्री। सिमिलरली बच्चों जेड क्या है आपका, वो भी 90 हो जाए। तो अगर तीनों 90 हो जाए तो कॉस एक्स के जगह में कॉस 90 हो जाएगा, सिमिलरली कॉस वाई के जगह में कॉस 90, वापस कॉस जेड के जगह में कॉस 90। हमको पता है कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है, तो तीनों के वैल्यू 0 हो रहे थे, तीनों 0 ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका आंसर, 0 आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जिसमें आपको ज़्यादातर एक्चुअल में कुछ कैलकुलेशन नहीं करना था, तो सिंपल सा आपको ट्रिगोनोमेट्री का जो रेशियो है उसका सेंस लगा के इस क्वेश्चन को बहुत ही डिफिकल्ट तरीके से बनाया जा सकता है, मतलब बनाया गया है। आप इसको अगर ये वाला बुद्धि लगाओगे तो आप बहुत ईजिली विद इन सेकेंड्स आप कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।